आईपीएल 2025 शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन आईपीएल को लेकर तरह तरह की खबरें लगातार चल रही हैं। अब केएल राहुल का भी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। केएल राहुल का इस वीडियो में एक फ़ैन केएल राहुल से आरसीबी में जाने को लेकर पूछते हैं, तो केएल राहुल का जवाब भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला होता है। इस वीडियो में केएल राहुल से फ़ैन क्या बोलते हैं और केएल राहुल फैंस को क्या जवाब देते हैं, हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन केएल राहुल को लेकर खबरें ये चल रही हैं कि केएल राहुल आरसीबी में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ये खबरें आईपीएल 2024 के दौरान जब संजीव गोयनका, जो कि एलएसजी के ओनर हैं, उनके और केएल राहुल के बीच में जो एक तीखी बहस हुई थी, उसके बाद से ही ये चर्चाएँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़ रखी हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो केएल राहुल को लेकर एक बार फिर ये चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। इसी से संबंधित केएल राहुल का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें फ़ैन केएल राहुल से पूछ रहे हैं कि क्या आप आरसीबी में जाना चाहेंगे। तो इसमें केएल राहुल फैंस को बता रहे हैं कि मैं आरसीबी में ज़रूर जाना चाहूँगा, और इस तरीके का जो ये वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बना हुआ है। अब केएल राहुल के इस वीडियो की अगर बात की जाए तो केएल राहुल से फ़ैन पूछते हैं कि मैं आरसीबी का फ़ैन हूं और आरसीबी को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूं, और आरसीबी को फॉलो करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि आप आरसीबी के लिए खेलें। तो केएल राहुल उसमें कहते हैं जवाब में कि लेट्स होप, यानी केएल राहुल भी चाहते हैं कि आरसीबी में वो खेलते हुए दिखाई दें। आईपीएल में 2013 से 2016 के बीच 4 साल आईपीएल में केएल राहुल आरसीबी की तरफ से खेलते हुए दिखाई भी दे चुके हैं, जिस वक्त क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधर भी इस टीम का हिस्सा थे। केएल राहुल ने आरसीबी के लिए काफ़ी ज़्यादा रन्स भी बरसाए हैं। अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ खेल रहे हैं, लगातार 2-3 सीज़न लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं, और हाल ही में संजीव गोयनका के साथ केएल राहुल ने एक मीटिंग भी की थी, जहां पर संजीव गोयनका ने जहीर खान को टीम का बॉलिंग कोच के तौर पर यहां पर नियुक्त भी किया, और केएल राहुल भी उस इवेंट में शामिल थे। तो ऐसे में देखकर लगता नहीं है कि केएल राहुल एलएसजी को छोड़कर आरसीबी में जाने वाले हैं, लेकिन वक्त का क्या पता कि केएल राहुल एक बार फिर आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखाई दें। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2025 आईपीएल सीजन में केएल राहुल क्या आरसीबी की टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।